में गिर पड़े, इतने विश्वामित्र जी बोले राम मैंने सुशांत जी का अपराध तो माफ कर दिया, तुम भी अपराध तो माफ कर दो, क्योंकि मैंने तो बताया था ना जे मेरे चरण में अपराध हो गई मैंने माफ कर दिया। इतने में भगवान राम भी माफ कर दिए। देखो भगवान के नाम में कितने शक्ति है, कितने शक्ति है। इसलिए भगवान भी जो प्रभु का नाम जप करते हैं भगवान भी उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाते। इतने भगवान की कलयुग में इतने प्रभु के नाम की इतने महिमा, इसलिए हमें भगवान की नाम जप करनी चाहिए। इसलिए भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय दिए और कुछ भी करने का जरूरत नहीं, क्या करो भगवान के नाम जप करो। एक बार सबके सब हाथ उठाओ, सबके साथ बोलो हरे कृष्ण सबके सब जोर जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। और एक बार बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 गोस्वामी को कहते हैं जो व्यक्ति ठाकुर जी के नाम जप करते हैं ना उनको तीन काम हो जाता है। देखो क्या तीन काम हो जाता है, ठाकुर जी की जब प्रभु की कोई नाम जप करना शुरू करते पहला काम क्या होता है, जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं। चित्रगुप्त का नाम सुने हो, ये कौन है, हमारे सारे कर्मों का फल को जो लिखते हैं, इनका नाम है चित्रगुप्त। इसका मतलब क्या है, गुप्त मतलब होता है गुप्त रूप में, चित्र मतलब है हम जो कुछ कर रहे हैं उनका कॉपी में सबके सब नोट हो जाती है। अगर कोई सोचे 10 तला बिल्डिंग ऊपर में मैं दरवाजा बंद करके कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ करो जैसे दिन में ये सूर्य का किरण सब जाएगा ये साथी, रात में चंद्रमा का किरण सब जाएगा साथी, फिर ये 10 दिशाएं ये सबके सब साथी है। कोई भी काम को हम गुप्त रूप में कर ही नहीं सकते, जो कुछ करते हैं सबके सब रिकॉर्डिंग हो जाता है। कोई कोई कहता है अरे कौन देखा है, जो कुछ करना था कर लो, जो कुछ खाना खा जाओ, नहीं भैया तनख्वाह कब मिलती है, महीना की लास्ट में तनख्वाह मिलती है ना। उसी तरह कर्म का फल कब मिलता है, ये जीवन का अंतिम में ही कर्म का फल जीव को मिलता है, इसलिए उसका नाम चित्रगुप्त। इसलिए जब कोई ठाकुर जी के नाम जप करना शुरू करते ही जब महाराज चित्रगुप्त को बुला दिया, पर इसका जो जमपुर में उसका जो रजिस्टर में उसका नाम है ना नरकाने का, ये नाम को काट दो, ये नाम को काट दो और ये जमपुर नहीं आएगा, ये पहला काम होता है। दूसरा काम क्या होता है, वह जीव जब भगवान को पास में जाता है ये सारे लोगों को पार करते करते जाता है, भोग मोह जन तप सत्यलोक ये सब पार करते 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 भगवत लोक को गमन करता है। पितामह ब्रह्मा सुंदर थाली में आरती को लेकर के सज कर खड़े रहते, जब वो भगवान का धाम को जाएगा उसको मैं आरती उतारूंगा, उसको मैं आरती उतारूंगा, ये दूसरा काम है। वह तीसरा काम क्या है, कहते गोलोक वृंदावन में जो रजिस्टर है ठाकुर जी उसका नाम को लिख देते हैं। बोले क्यों, बोले एक दिन वो व्यक्ति ये गोलोक वृंदावन आएगा है। इसलिए भगवत नाम में इतने लाभ है। हर भगवान कपिल देव अपना माँ को कहते हैं, बोले माँ ये मेरे नाम को कौन जप कर सकता है, बोले जिसको करोड़ करोड़ जन्मों का कोई पुण्य उदय हो तभी मेरे नाम को वही ग्रहण कर सकता है। कहते पूर्व जन्म में जो 4 काम कर चुके हैं वही मेरे नाम को लेगा। बोले 4 काम क्या है, भगवान कपिल देव कहते हैं, बोले अहो बत सपो जत गरिया जत जिहाग्र भरतते नाम तुभ्यम। कहते पूरा जिहा नहीं, जिहा के अग्र देश में जो मेरे नाम को जप करते हैं अहो बत सपोच अतगरिया
वो व्यक्ति चंडाल क्यों नहीं हो, उसका क्या सौभाग्य है। चार काम किया है, पूर्व जन्म में सारे यज्ञ कर चुका है, पूर्व जन्म में सारे तपस्या कर चुका है, पूर्व जन्म में सारे दान कर चुका है, पूर्व जन्म में सारे तीर्थ को उसने पर्यटन कर चुका है, तभी इसी जीवन में कोई मेरे नाम को ग्रहण करता है। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते परीक्षित सौनकाद ऋषियों, कलयुग में सबसे सरल उपाय है ठाकुर जी के नाम जप करो, इसी से ही कल्याण। लेकिन महाप्रभु एक अच्छी बात कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं मैंने कलयुग में इतने सरल उपाय मैंने रखा है, कोई यज्ञ करने का जरूरत नहीं, तपस्या करने का जरूरत नहीं, केवल थोड़ी सी मेरे नाम को जप करो। लेकिन ये कलयुग का जीव इतने दुर्भाग्य है ना, तब भी मेरे नाम को जब ग्रहण नहीं करते, तब भी मेरे नाम को ग्रहण नहीं करते, फिर इसका कल्याण कैसे होगा, इनकी कल्याण कैसे होगा। इसलिए सबके सब भगवान की नाम जप करो। हरि बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा। ये तीन महीना का नाम क्या जानते हो, आज से कौन सा दिन शुरू हुआ है, ये पुरुषोत्तम मास है, ये भगवान का वरदान है कृष्ण। बोले इसी महीना में एक बार जो नाम लेगा ना, उसको 100 बार नाम करने का फल मिलेगा, ये स्वयं भगवान बोले। और इसी महीना की इतने पुण्य, इतने पुण्य इसी महीना की है, आप जखना वृंदावन जाओ, गोवर्धन जाओ, कितने लाख लाख लोग परिक्रमा करते ही, कहीं कथा हो रही, कहीं यज्ञ हो रही, कहीं कीर्तन हो रही, एक बार कोई हरि नाम करे उसको 100 बार नाम करने का फल मिलता है। इसलिए इसी महीना में आप जो कीर्तन कथा सुन रहे हैं ना, 100 गुना 100 गुना आपको फल मिलेगा, एक नाम से सब नाम करने का फल मिलेगा। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे चार ही भक्त है, एक कर्मी है, एक ज्ञानी है, एक योगी है और एक भक्त है। भगवान की ये चार तरह का भगवान की ये भक्त है। ये क्या सबके सब बराबर? बोल नहीं, सबके सब बराबर है। जो जैसे कर्म करता है, कर्म का अनुरूप जीव को फल मिलता है। तब भगवान ने एक सुंदर उदाहरण देकर के ठाकुर ने समझाया। हाँ देखो, ये उदाहरण को अचक्र से आपका दिमाग में बैठा लो। कहते एक समय कोई एक व्यक्ति बड़ा दुखी होकर के रोड रोड घूम रहा था, खाने को नहीं, पहनने का नहीं, शरीर केवल हड्डी हड्डी। एक बहुत बड़ा कोई ज्योतिष था जो आपकी मुंह को देखे और सारे बात तुम्हारी बता दे, तुम्हारे घर कहाँ कहाँ रहते हो, घर में पत्नी कैसे, बच्चे कैसे, और तुम्हारे घर में कितने माल कहाँ पर कैसे रखा हुआ, देख करके सब बता दे। वो साधु बोले बेटा इधर आ। बोले क्या बात, तू ये दर दर क्यों भटक रहे हो? बोले पिताजी का समय तो हम बड़े खुश थे, हम तभी खाने का नहीं, पहनने का नहीं, बड़े दुखी है। उसने कहा देख बेटा, तेरे जो पिता है ना, मेरे मित्र लगते हैं, उन्होंने मेरे को एक गुप्त बात बता करके गए, तुम्हारे घर में चार दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तेरे पिताजी पूर्व दिशा में एक सोने के घड़े में हीरे जवाहरात को डार करके रख कर गए, लेकिन वो बात मेरे को बता करके गए, देख बेटा तू दक्षिण दिशा का मिट्टी मत खोदना, उधर रहते ततैया, अगर उसको खोदोगे, अगर वो ततैया निकलेगा ना, दो चार कांटे तो तुमको खत्म कर देगा। तुमको पश्चिम दिशा का मिट्टी मत खोदना, उधर एक अजगर सर्प रहता है, वो अगर निकल गए ना, तुमको जान से पूरा निकल जाएगा।
उत्तर दिशा का मिट्टी मत खोदना, उधर रहता है एक यक्ष, अगर वो निकलेगा तो तेरे को जान से मार देगा। लेकिन तुम केवल पूर्व दिशा का मिट्टी को खोदना, ज्यादा खोदने का जरूरत नहीं, केवल थोड़ी सी खोदोगे ना बस वो पैसा की खाड़ी निकली, एकदम माला माल हो जाओगे। बोले भैया मेरे पिताजी इतने संपत्ति रख कर गए, फिर बताई हम इतने दुखी दुखी हो रहे। इतने में उन्होंने सचमुच से जब पूर्व दिशा की मिट्टी खोदे, वो सोने की कलसी निकली और एक एक मोहर को बेचा तो अरब खरब रुपया हुआ, एकदम माला माल उसने हो गया। हाँ देखो इसका मतलब है, कहते चार रास्ता है, एक कर्म है, एक ज्ञान है और एक योग है और एक भक्ति है। बोले देखो तुमने दक्षिण दिशा का मिट्टी मत खोदो। बोले क्यों? बोले उधर ततया रहते। बोले ततया मतलब कहते कर्म चक्र में मत फंसना। कोई कहते ना कर्म करो कर्म करो कर्म करो, कर्म भी बहुत तरह का होता है, अकर्म विकर्म सुकर्म कर्म भी बहुत तरह का होता है। हम ये 84 लाख जन्म में क्यों भटक रहे हैं बताओ? कर्म का फल से, इसी जीवन का कर्म का फल दूसरे जीवन में, दूसरे तीसरे तीसरे चौथे करके हम जीवन में ये 84 लाख जीवन में भटक रहे हैं। और ये संसार में आओगे भले ही तुम्हारे पास में जितने पैसा क्यों नहीं हो, ये 7 तरह का दुख तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई बिजनेस से दुखी, कोई पड़ोस से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, दुखी दुखी दुखी। ये संसार में ये दुख किसी को भी नहीं छोड़ता है, ये सबको ये दुख सबको भोगना पड़ता है। इसलिए बोले देखो ये कर्म मार्ग में फंसना नहीं तो दुख कष्ट उठाते रहोगे। पत्ते जैसे काटते हैं ऐसे तुमको ये काटते रहेंगे। बोले देखो ज्ञान मार्ग में फंसना नहीं, उधर रहता है एक अजगर सर्प, सर्प जैसे निकल जाती है। जो लोग मुक्ति चाहते हैं और भगवान को निराकार निर्विशेष ज्योति मानते हैं, उनका लक्ष्य क्या है? एक दिन वो ब्रह्म ज्योति में अपना सत्ता को लीन कर दो, न रहेगा बांस और न बजेगी बंसुरी। मतलब जब तक इसी संसार में आओगे दुख कष्ट भोगोगे, इसलिए उनका फिलोसफी है ये सत्ता को ब्रह्म ज्योति में लीन कर दो। हाँ तुम्हारी जन्म भी नहीं होगी, मृत्यु भी नहीं होगी, लेकिन जो एक आनंद नाम का जो चीज है ना, वो आनंद से तुम वंचित हो जाओगे। जैसे पत्थर एक जगह पर पड़ा रहता है, जैसे बेहोश होकर पड़ जाओ, जैसे नशे करके पड़ जाते हैं। इसलिए भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते हैं। बोले प्रभु भले नरक भेजो लेकिन मुक्ति नहीं चाहते। इसलिए बेटा मुक्ति मार्ग में फंसना नहीं। बोले तुम योग मार्ग में भी नहीं फंसना, अगर योग मार्ग में फंसोगे तो वहां भी एक यक्ष है, वो भी तुम्हें खा जाएगी। बोले किधर जाना? बोले भगवान की भक्ति मार्ग, ठाकुर जी की प्रेम के मार्ग में जाना, ये पूर्व दिशा है। ज्यादा मिट्टी खोदने का जरूरत नहीं, केवल थोड़ी सी मिट्टी खोदोगे ना पैर को निकलेगा। मतलब बोले भक्ति मार्ग में ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं। इसलिए हम कहते हैं ना, एक संत कह रहे थे हम चाहते हैं कोई पार्टी हो तो पार्टी में जाना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले पार्टी में 3 काम होता है, एक गिट्टी, एक ध्यान सिंह और एक सिंगी। ये 3 काम होता है, समझ रहे कि नहीं? खाना, नाचना और गाना, ये 3 चीज पार्टी में होती है। बोले भैया कभी कभी क्यों पार्टी में जाते? रोज रोज पार्टी बनाओ ना। खाना है ना, रोज रोज शाही पनीर बनाओ, मटर पनीर बनाओ, राजमा चावल बनाओ, कढ़ी सब्जी बनाओ, बढ़िया बढ़िया बनाओ, ठाकुर को रोज भोग लगाओ और बढ़िया प्रसाद खाओ। बोले नाचना है ना, रोज हम यहाँ नाच रहे भी नहीं, कीर्तन में बड़ी सुंदर नृत्य करते। बोले नाचना है ना, भगवान की कीर्तन में नाचे ना। गाना है ना, तुम ठाकुर को सुंदर सुंदर भजन गाओ, ठाकुर जी की सुंदर सुंदर भजन गाओ। इसलिए भक्ति मार्ग में कोई परिश्रम नहीं। जैसे आप लोग कथा सुनने के लिए आते हो, कीर्तन सुनते हो, कथा सुनते हो, बताओ आपको आनंद आता है ना दुख आता है? आनंद मिलता है ना दुख मिलता है? आनंद मिलता है ना।
भगवान की कथा में बड़ा रस है, बड़ा आनंद है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोले, तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल भगवान की कीर्तन कथा सुना और सुनते सुनते तुम भगवान के धाम में पहुंच जाओगे। इसलिए कहते भक्ति मार्ग में हमें जानी चाहिए, ज्ञान कर्म योग में हमें फंसना नहीं चाहिए। इसलिए श्री सूरदास जी कहते हैं, बोले सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। दुर्योधन की निवा त्यागी, दुर्योधन की निवा त्यागी, दुर्योधन की निवा त्यागी, सावित्री दुर्योधन भाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, राज सुया यजुधिष्ठिर
उन्होंने बहुत एक अच्छी उदाहरण दिया। बोले श्री दुर्योधन का एक सेवक था जिसका नाम था हरनाई। इसका रोज काम था दुर्योधन की चरण की सेवा करना, उसको शरीर में तेल मालिश करना, उसका ये रोज काम था। लेकिन उस तरफ में बड़ा संत से भी कोई अगर साधु आ जाए ना, उनको सेवा करना इसकी बड़ी अच्छी उसका वृत्ति थी। और जिस समय दुर्योधन की सेवा करने जाएगा, ठीक उसी समय पर उसका घर में कुछ संत लोग आ गए। वो तो बड़े दुविधा में पड़ गया। बोले अभी क्या करनी चाहिए, इधर तो संत भगवान आए नहीं और उधर दुर्योधन की सेवा करना। बोले ये दुष्ट का सेवा तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन ये संत सेवा बड़े भाग्य से मिलता है। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, अगर मुझे खुश करना चाहता है ना, मेरे संतों की तुम सेवा कर लो, क्योंकि उनके हृदय में मेरा निवास है, मैं अपने आप प्रसन्न हो जाता हूँ। उसने देखा जाएगा ये दुर्योधन का सेवा बाद में होगी, आज हम संतों की सेवा करते हैं। उन्होंने बड़े सुंदर उन्होंने भोजन बनाया, संतों को उन्होंने भोजन खिलाया। उधर कृष्ण को चिंता लग गई, बल अगर मेरे भक्त टाइम से नहीं जाएगा ना, हो सकता है दुर्योधन उसको नौकरी से निकाल सकता है, नहीं तो कोई दंड दे सकता है। इतने में कृष्णा हरनाई की रूप धारण करते हुए दुर्योधन के पास में पहुंच गए और उसका शरीर में तेल मालिश करने लगे। कौन कर रहे हैं तेल मालिश? कौन कर रहे हैं? भगवान कृष्ण। भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप। जब भगवान का शरीर उसको शरीर को स्पर्श कर रहा था, उसका रोम रोम खिल रहा था और हृदय आनंद में उत्फुल्ल हो रहा था और आंखों से आंसू की झरी बह रही थी। दुर्योधन ने कहा, क्या तेरे हाथ में आज कोई जादू है ना? क्या तू शरीर को स्पर्श करते ही पता नहीं मेरे हृदय में इतना आनंद क्यों उभर रहा है? इतना वो खुश हो गया, अपना गले की जो कीमती हार था उसने नाई की गला में पहना दिया। लेकिन वो तो नाई नहीं, वो तो कृष्ण थे, लेकिन पहनाया तो कृष्ण के गले में, लेकिन वो हार अपने आप आ गया हरनाई के गले में। इधर हरनाई संतों की सेवा करते हुए अभी लेट में पहुंचा, बड़ा डरते हुए, हो सकता है दुर्योधन मेरे को कोई दंड देगा। जा करके चरण में गिर पड़ा, माफी मांगा, आज आने में मेरी देर हो गई। बोले क्यों? तुमने तो बड़ी मेरी सेवा की है, आज इतने तुमने सेवा की, जीवन में इतना आनंद मेरे को कभी आया नहीं है। बोले नहीं, आज मैं टाइम से नहीं आ पाया, घर में कुछ साधु लोग आ गए थे, सेवा करने में देर हो गई। बोले ओ, तेरे को मैंने इतने कीमती हार पहना दिया ना, इसलिए तेरे अंदर में इतने अभिमान हो रहा है। लेकिन उसको पता ही नहीं गले में उसकी हार है। दुर्योधन ने वो हार को पकड़ कर छीन लिया। बोले बड़ा अभिमान हो गया ना तेरा। बोले भैया मेरे गले में हार कहाँ से आ गया? बोले गले में तो हार ही थी नहीं, लेकिन वो संत है, वो समझ गए, ओ आज घर में ये साधु लोग आए थे ना, मैंने साधुओं को सेवा की, इसलिए ठाकुर जी मेरे रूप धारण करते हुए आज आए और ये दुष्ट के ठाकुर जी सेवा की, इसलिए ये बोल रहा है आज मेरे को बड़ा आनंद आया है। बोले मेरे वजह से मेरे ठाकुर को ये दुष्ट की सेवा करना पड़ गया, आज से इसकी और सेवा नहीं करूंगा, इसलिए उसने उनकी सेवा करना छोड़ दिया। देखो यहाँ पर श्री सूरदास जी कह रहे हैं, भगवान इतने करते हैं भक्त के लिए, भक्त के लिए दुर्योधन का चरण भी ठाकुर दबा है। क्यों? अपना भक्त के लिए। इसलिए भगवान कैसे संतुष्ट हो गए? बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई, केवल भगवान प्रेम से बसित होते हैं। इसलिए आप लोग कभी सुने नहीं होंगे ज्ञानी का भगवान, कोई नहीं कहते कर्मी का भगवान, कोई नहीं कहते योगी का भगवान। किसका भगवान है? किसका भगवान है? भक्त का भगवान है, वो और किसी का नहीं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले जदा
ग्लानिर् भवति भारत अद्भुतायम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। ऐसे जो भगवान ही युग युग में अवतीर्ण होकर के भक्तों को रक्षा करते हैं और दुष्टों को विनाश करते हैं, इसलिए भागवत में भगवान की चौबीसवीं अवतार की कथा है। पहला जो अवतार ठाकुर जी की, बोले भगवान की छह तरह का अवतार है, मन्नातर अवतार, सत्यावेश अवतार, आवेश अवतार, गुणा अवतार, अंशा अवतार, पूर्ण अवतार, ऐसे भगवान की छह तरह का अवतार है। कभी कभी भगवान किसी जीव में प्रवेश करते हुए अद्भुत अद्भुत काम करते थे ठाकुर जी, इसलिए भगवान की पहला अवतार चतुसन, ये ब्रह्मा की चार मानस पुत्र है, सनक, सनातन, सनातन और सनत कुमार। यदि ये सृष्टि का पहला है, पहले इनका काम क्या है, जब ब्रह्मा जी इनकी सृष्टि की, पहले भगवान का निर्देश है ये संसार का क्रम को बढ़ाओ, बोले पिताजी हम ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते, इसमें बड़ा दुख है। बोले भगवान ने आदेश दिया संसार का क्रम बढ़ाओ, सृष्टि का पहला तुम हो और तुम ही मना कर रहे हो संसार नहीं करोगे। बोले संसार नहीं करोगे, बोले नहीं, बोले तुमने जैसे जन्म लिया ना जिंदगी और ऐसे ही हो। आप देखना कि चतुष्ण हर समय 5 साल की उम्र की, इनकी उम्र कभी बढ़ती नहीं, कभी इनकी उम्र नहीं घटती, उसी उम्र में रहते, नंगे रहते हैं। बोले बड़ी बढ़िया हो गया, ये अभिशाप नहीं करता। बोले क्यों, आप देखना घर के जो बच्चे है ना मस्त रहते हैं, उनको खाने का कोई चिंता नहीं, पहनने का चिंता नहीं, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, वो खेलते कूदते मस्ती में रहते हैं। लेकिन सारे दायित्व किसको ऊपर में, बड़े को ऊपर में। बोले बहुत बढ़िया हो गया, 5 साल उम्र में रहेगा मस्ती रहेगा। इसलिए चार व्यक्ति हर समय प्रभु की भजन कीर्तन में मस्त रहते हैं। भगवान की जो दूसरा अवतार बहार उसमें आए, बोले क्यों, बोले ब्रह्मा जब उन्होंने अपना शरीर से मनु और शतरूपा को सृष्टि की, बोले ये सृष्टि का क्रम बढ़ाओ, बोले सृष्टि करेंगे काम, ये पृथ्वी में गई नहीं, ये पृथ्वी का रसातल में गई है, पृथ्वी रसातल में गई, बोले किसने रसातल में ले गया था, बोले ये हिरण्याक्ष ने ये रसातल में ले गया था, बोले ये हिरण्याक्ष इतने बड़ा दैत्य था। और विशेष करके बताए शाम का समय में चार काम नहीं करनी चाहिए, कितना काम नहीं करनी चाहिए, चार काम, बोले चार काम क्या है, बोले पहला नंबर है शाम को सोनी नहीं चाहिए, अब तो ध्यान दे रहे हैं, शाम को नहीं सोनी चाहिए। जो व्यक्ति शाम को सोएगा ना वो दरिद्रता प्राप्त करेगा, उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं दिखेगी, लक्ष्मी घर से चली जाएगी। दूसरा नंबर है शाम को पढ़नी नहीं चाहिए, देखना कोई कोई कहते हैं ना बेटा तो घर में पढ़ाई ठीक से करना है, लेकिन परीक्षा में जाता है तो फेल हो जाता है, भूल जाता है, हाँ कोई कोई कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं शाम का समय में जो पढ़ेगा उसको कोई चीज याद नहीं रहेगी। और तीसरे चीज क्या नहीं करनी चाहिए, पत्नी से नहीं मिलनी चाहिए, हाँ? तो एक समय श्री कश्यप जी के दो पत्नी है, एक दिति और एक अदिति। एक दिन ये अदिति ने एकदम शाम का समय में बड़े सुंदर श्रृंगार की, लटकन श्रृंगार की, शीशा के सामने खड़ी होकर बड़ी प्यारी सुंदर थी। अभी जब उसने श्रृंगार की, उसके हृदय में संसार की वासना आई, उन्होंने कश्यप ऋषि से उन्होंने आग्रह किया मिलने के लिए। कश्यप जी ने कहा देखो दिति ये समय अच्छी नहीं, शाम का समय है, अभी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वो इतने तामातुर हो गई थी, उन्होंने जोर जबरदस्ती पति से मिली। पति ने कहा तुमने अच्छा काम, तुमने अच्छा काम नहीं किया, तेरे गर्भ में राक्षस जन्म ग्रहण करेंगे। आप देखना एक होता है गर्भ संस्कार, है गर्भ संस्कार मतलब आप पत्नी को साथ में जब मिलते हो गर्भ में जो बच्चा आए, शास्त्र देख करके ठीक अच्छे समय पर आप मिलोगे ना, वो पुत्र बड़े आज्ञाकारी होगी, बड़ी पिता माता की सेवा करेगी। अब देखना ऐसे ऐसे संतान है तो पिता माता की बात ही नहीं सुनते, एकदम उल्टा करते हैं। और कोई संतान होता है
पिता माता की बड़ी आज्ञाकारी बनते, बोले क्यों कार विद्या, बोले कारण एक गर्व संस्कार है कि कौन सा समय में हमने पति को साथ में मिले उसको पर बड़ा निर्भर करता है, हैं? इसलिए ये गर्व संस्कार इसको कहते हैं, इसलिए वो राक्षस होकर जन्म ग्रहण किया, तो हृदनाथ तो उसने हुआ है, इसलिए क्या करने चाहिए, और सोनी नहीं चाहिए, पत्नी से मिलनी नहीं चाहिए, पढ़नी नहीं चाहिए और भोजन नहीं करनी चाहिए ठीक शाम को, जो शाम को भोजन करेगा उसको पेट की बीमारी होगी, उदर रोग होगी, इसलिए राक्षस इसलिए उसने जन्म ग्रहण किया और उसने पूरा पृथ्वी को उसने प्रसाद ले लिया। इतने में ब्रह्मा जी छींके तो उन पर नासिका से एक छोटा मच्छर जैसे प्राणी जन्म हुआ और देखते देखते उसने विशाल रूप धारण किया जो भगवान वराह देव थे, और उन्होंने पानी में छलांग लगाई और पृथ्वी को अपना दंत के अग्र में पृथ्वी को ला करके उन्होंने अपना धुरी पर स्थापन की है। श्रीमन महाराज ने ये सृष्टि का प्रारंभ उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ की है, इसलिए ये भगवान की दूसरा अवतार। बोले तीसरा अवतार बोले श्री नारद जी रूप में हुए, हैं? आप लोग सब नारद जी को जानते हो, इतनी जगत में नारद जी का बड़ा बदला दो, हम कहते ना तो क्या नारद जी का काम कर रहे हो, मतलब क्या तुम झगड़ा लगा रहे हो, देखो नारद जी कभी झगड़ा नहीं लगाते, आप देखो ना इनके बगैर प्रभु कोई लीला ही नहीं हुआ है, रामलीला देखो और आप भागवत देखो, कोई भी कृष्ण लीला देखो, इनके बगैर कोई भी लीला ठाकुर जी की नहीं हुई, इसलिए इनका नाम है नारद। इसका मतलब क्या है, नर मतलब होता है ज्ञान और द मतलब जो सबको ज्ञान दे, नर मतलब होता है रस, द मतलब सबको जो रस दे, नर मतलब होता है आसक्ति, द मतलब खंडयति, जीव का संसार का बंधन का आसक्ति जो नष्ट कर दे, नारद मतलब जो कभी रद्दी नहीं होता है, हर समय जो सक्सेस सक्सेसफुल है, इसलिए नारद जी की एक ग्रंथ है जिसका नाम नारद भक्ति सूत्र, उन्होंने एक ग्रंथ लिखे है, वो ग्रंथ में भगवान की भक्ति अद्भुत प्रभु की भक्ति की वर्णना है, अगर हो सके तो आप लोग जरूर ये ग्रंथ को ढूंढ करके पढ़ना, ग्रंथ का नाम क्या है, नारद भक्ति सूत्र, मतलब भक्ति की महिमा उसमें उन्होंने गाया है, भक्ति कैसे जीव को भगवान को तक ले जाए, भक्ति कैसे जीव को भरना पोषण करे, इसलिए भक्ति रे वैव नयती, भक्ति रे वैव दर्शयती, भक्ति कैसे प्रभु का दर्शन कराता है, हैं? अब विशेष करके नारद जी के चार ही चले हुए, बोले दो बालक और दो वृद्ध, दो बालक कौन हुए, एक ध्रुव और एक प्रहलाद, इनकी ऐसे कृपा है, इन्होंने 5 साल उम्र में ध्रुव और प्रहलाद भगवत प्राप्ति कर लिया, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं बोले जनमा जनमा मोनी जत न कराई, जनमा जनमा मोनी जत न कराई, जनमा जनमा मोनी जत न कराई, जनमा जनमा मोनी जत I'm gonna make it.
सत्संग में जाओ, कीर्तन हो ना, क्या कहते बोले ताली बजाओ ताली बजाओ। प्रभु जी कल बता रहे थे ना, बोले ताली बजाने से क्या होता है, बोले ताली बजाने से चार काम होता है। कितना काम होता है, कितना होता है, चार। बोले पहला नंबर क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जैसे आप किसी आंगन में गेहूं नहीं तो दाल भगाने के लिए दिया, कोई चिड़िया खा रहा है आप भगाने के लिए क्या करो, क्या करते हो, ताली बजाते हो, क्या होता है चिड़िया भूल जाती है, चिड़िया भूल जाती है। इसलिए जब कीर्तन करते समय पाप अगर सर पर बैठ जाए ना, ताली बजाओगे तो पाप उड़ जाती है, लेकिन फिर उड़ कर कहाँ बैठ जाती है, बगल में बैठ जाती है। हाथ से तो उड़ जाती है, बगल से बैठ जाती है। जब बगल में बैठी जाए इसलिए हम बोलते हैं ना प्रसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब हाथ उठालो ना यहाँ से भी पाप उड़ जाती है। यदि ये पहला लाभ है। बोले दूसरा लाभ क्या है, आप लोग सुने होंगे एक आकुप्रेशर, नाम सुने हो आकुप्रेशर है, इसलिए कि आकुप्रेशर जो जानते हैं हाथ और पैर से ये सारे बीमारी को सही कर देते हैं। इसलिए आप ताली बजाओ तो एक तरह का वो आकुप्रेशर होता है, क्योंकि हर पैंट से दबती आती है। इसलिए जो आकुप्रेशर करना जानते हैं ना वो हाथ और पैर से सारे बीमारी को ये नष्ट कर देते हैं। आप देखना मेरे को, मैं गया था ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था और वहाँ पर एक व्यक्ति ने एक अच्छी बात बताई, उन्होंने बताया हिगड़े को, वो बताया हिगड़े को कोई बीमारी देखते हो, कभी आँख में चश्मा लगाते हुए कभी देखते हो हिगड़े को, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई मेरे को, बहुत अच्छी बात लगी। आपने हिगड़े को देखे हो एकदम शरीर हिष्ट पुष्ट लंबा तो लगे, क्यों बोले हर समय देखा ताली बजा रहा, ताली बजाते हैं। आप जो साइंस जो पढ़ते हो, जो साइंस पढ़ते हो आप लोग देखना कि जितने नस है ना ये सब के सब हाथ और पैर से जुड़ा हुआ है सारे नस। इसलिए जब हम ताली बजाते हैं देखते ना, केवल आप एक मिनट ताली बजा कर देखना तुम्हारे शरीर में इतनी ऊर्जा पाया प्रकट हो जाएगी, शरीर में एकदम एनर्जी आ जाएगी। बोले क्यों, बोले सारे नस खुल जाती है, सारे नस खुल जाती है उससे। इसलिए कहते जो ताली बजाएगा ना वो बड़ा इंटेलिजेंट बनता है, उसका सारे नस खुल जाएगी, बड़ा इंटेलिजेंट बनोगे जो ताली बजाएगा। बोले सबसे ज्यादा लाभ देखो जो काम की बात है, देखना कोई व्यक्ति बहुत जब संसार में दुखी दुखी हो जाता है, किसी तरह से संसार से सुख नहीं आता है, वो व्यक्ति ज्योतिष के पास में जाता है। बोले देखो तो भैया संसार में इतने दुखों कष्ट क्यों आ रहे, सोने पे भी हाथ लगा वो भी मिट्टी हो जाता है, देख लो कहा क्या ज्योतिष तुम्हारी दुख दूर कर सकता है, बल्कि बोले ये अंगूठी पहनो, ये करो वो करो, पैसा निकल लेगा, सारे पैसा निकल लेगा, वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान का एक नाम है ईश्वर, ईश्वर का डेफिनेशन बताया अगर तो अन्यथा कर तुम जह सत्य थे सैव ईश्वर, मतलब हे को नहीं, नहीं को जो हे कर सकते ही ईश्वर है। इसलिए आप जब ताली बजाते हैं ना, हम ताली कब बजाते हैं, इसकी स्वागत है, कहते ना भैया ताली बजा कर इनकी स्वागत करो, यहाँ जो ताली बजा रहे हो किसकी स्वागत कर रहे हो, भगवान, केवल भगवान ही ऐसे एक व्यक्ति है जो दिन व रात, रात को दिन कर सकते हैं, एक और नहीं, नहीं को जो है कर सकते, केवल ठाकुर, दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, केवल ठाकुर कर सकते हैं। अगर आप लोग ताली बजाओगे ना, देखो मेरे तरफ में माताओं का उल्टा हाथ, ये जो रेखा है ना ये भाग्य रेखा है, आप देख सकते हो ये रेखा, जिसको जितने बढ़िया उसका भाग्य उतना बढ़िया होता है, और भाई लोगों के लिए ये रेखा है, आप स्वयं देख सकते हो ये दोनों रेखा के ऊपर में संसार का सारे शांति सुख सारे पैसा इसको पर निर्भर करता है, आप स्वयं देख लेना, आप स्वयं देख लेना, इस ज्योतिष के पास जरूरत नहीं, केवल देख लेना इसी रेखा भाग्य रेखा बताया, मतलब अगर ये रेखा को पार करे, अगर ऊपर रेखा को पार कर जाए बहुत बढ़िया, लेकिन अगर ऊपर रेखा को पार करते हुए त्रिशूल रूप धारण करता है, किसी के हाथ में त्रिशूल है तो तीन जग जगह में तीन लोक में तुम्हारी जयकार होगी, ये ज्योतिष शास्त्र के अनुरूप है। आप लोग ताली बजाने से पहले देख लो और ताली बजाने के बाद में देख लो, क्योंकि भगवान ही हमारे भाग्य रेखा को बदला सकते हैं और कोई नहीं बदला सकते हैं। आपको विश्वास होता है कि नहीं, देखो अगर तुम्हारे घर में बहुत कोई दुख कष्ट है आप कहीं भी मत जाओ,
आप ठाकुर को सामने बैठ गया, बैठ करके थोड़ा ताली बजाते हुए कीर्तन करना, देखना तुम्हारी घर की सारे दुख कष्ट दूर हो जाएगी, नहीं तो पूरा परिवार बैठ जाना घर में, बैठ करके थोड़ी समय हम हरि कीर्तन करो। हम कहते हैं ना मंगल भवन, हाँ ये चीज को विश्वास करो, हाँ भगवान ही ये भाग्य रेखा को हमारा बदला सकते हैं। इधर जो जितने जोर से ताली बजाओगे क्या होगा, पाप और चिड़िया हो जाएगी, तुम्हारी भाग्य रेखा बदल जाएगी, आंखों पर सर से तुम्हारी तुम्हारी हेल्थ भी अच्छा रहेगा और बहुत इंटेलिजेंट बनोगे। ये चार लाभ, ठीक है, हाँ जोर जोर से बोला बल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि कृष्ण नाम नारद जी बोले प्रभु
दुनिया का मालिक आप ही हो। आपको सीख करके लोग सब सीखेगा, जो बड़े व्यक्ति करेगा छोटे लोग उसको देख कर सीखेगा। बोले नारद जी बताओ ना स्पष्ट रूप में, घुमा फिरा करके बता रहे हो। बोले प्रभु जी आपका अपना लक्ष्मण को लेकर दिन भर पड़े हुए हैं, दुनिया बोलेगा जब ठाकुर जी अपना लक्ष्मी को लेकर पड़े हुए हम भी अपना लक्ष्मी को लेकर हम भी पड़े हुए। बोले तो बोलना क्या चाहते हो? बोले प्रभु जी हरि विमुख कभी सुख नहीं पाया, भगवान से विमुख होकर के किसी को भी सुख नहीं मिला है, किसी को भी सुख नहीं मिला। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी उनने सात उदाहरण देकर समझाए है। वो कहते हैं पानी को मंथन करने पर भले ही कोई घी निकाल दे मैं मान सकता हूँ, रेती को पीस कर भले ही कोई तेल निकाल दे मान सकता हूँ, कोई बोले आकाश में फूल खिल गया उसको भी मैं मान सकता हूँ, कोई बोले कछुआ की पीठ को पर बाल आ गया ये भी मान सकता हूँ, कोई बोले बांस का बेटा हो गया बोले ये भी मान सकता हूँ, कोई बोले खरगोश के सर पर सींग आ गया ये भी मैं मान सकता हूँ। वो सात उदाहरण दिए। बोले जो असंभव चीज ये कभी संभव हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है अरे हम भगवान की भक्ति भक्ति कुछ नहीं करता तो बड़े सुख शांति, गोस्वामी जी कहते मैं कभी मान ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले जिसने ये दुनिया बनाया, कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं ये दुखा लयम दशा सतम, ये कृष्ण खुद कह रहे ये संसार एक दुख का घर है, ये दुख का घर है जिसने बनाया वो खुद बोल रहा है। असा सत्वम बोले जगत में कोई वस्तु शाश्वत नित्य नहीं, एक दिन सबको इस संसार से जाना पड़ेगा। हमारे पिताजी की पिताजी की पिताजी सबके सब गए और एक दिन हमें भी जाना पड़ेगा। इसलिए कहते वह व्यक्ति उतना ही सुखी जो जितने प्रभु के चरण में अपना मन बोलता है, वो व्यक्ति उतना ही दुखी ठाकुर जी के चरण से मन को हटा करके जो जितने के माया के संसार में लगा है। क्यों? ये संसार नश्वर है, एक दिन तुमसे अलग होगा ही, एक दिन ही खत्म होगा ही। पिछले एक संत कह रहे थे कि जगत में प्रेम कहाँ से शुरू होता है, आई लव यू, फिर कुछ दिन बाद में आई लीव यू, और कुछ दिन बाद में आई किल यू। रोज जाकर के कहाँ पर है, जाकर कोर्ट में रोज लड़ाई हो रही है, कोर्ट में जाकर लड़ रहे। इसलिए नारद जी बोले प्रभु जब तक कोई भजन नहीं करेगा ना कोई सुखी हो ही नहीं सकता है। इसलिए अगर आप भी भजन करोगे ना दुनिया आपसे तो सीखेंगे, ठीक है मैं जा रहा हूँ भजन करने के लिए, लेकिन कोई बढ़िया जगह होनी चाहिए, बद्री का आश्रम पर पहुंचे बोले बढ़िया अच्छा स्थान एक पर भजन करो। लेकिन वहां पर शंकर जी भजन पहले करते थे, बोले ये तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं, वहां पर एक तप्त कुंड है बद्री का आश्रम। कौन कौन बद्रीनाथ गए हो? बद्रीनाथ इतना ही लोग गए बद्रीनाथ। बोले कौन जाना चाहते हो बताओ बद्रीनाथ कौन जाना चाहते हो? अब जाने की गए भी नहीं जाने की भी इच्छा नहीं करते हो, हाथ उठा कौन कौन बद्रीनाथ जाओगे? देखो आप सबको हम ले चलेंगे, आप सबको हम ले चलेंगे बद्रीनाथ। देखो वो जो बद्रीनाथ है ना जो गर्भ में जो बद्रीनाथ है वहाँ पर चार धाम है, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री। अगर उसको दर्शन करना चाहते हो अगर यहाँ से गाड़ी लेकर कार लेकर के जाओगे ना एकदम बहुत परिश्रम करके 10 दिन में उसको आप दर्शन करके आ सकते हैं। लेकिन वृंदावन में एक केदार बद्रीनाथ है इसको आप एक दिन में दर्शन करके आ सकते हो। कितना दिन में? एक दिन अगर जाओगे एक दिन में ये सब दर्शन करके फिर घर में आ सकते हो। ये कृष्ण ने अपना पिता माता को ये चार धाम बनाया है। कृष्ण जन्म होने से पहले नंद बाबा मनोति रखा था अगर मेरे घर में के लाला की जन्म हो जाए एक केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री मैं सब दर्शन करके आऊंगा। अभी घर में लाला की जन्म हो गया, अभी चार धाम जानी चाहिए, अभी सारे ब्रजवासी तैयारी है। कृष्ण देखा देखो ये कितने भोले वाले हैं, ये कितने भोले वाले, कहते ये चार धाम है क्या जी? ये यमुना क्या है? यमुना जहाँ से प्रकट हुई। बोले यमुना कौन है? बोले मेरे को पटना नहीं यमुना, मेरी पटरानी यमुना है मेरी पत्नी है। बोले ये गंगोत्री क्या है? बोलते ये मेरे चरणा से निकली चरणामृत है। बोले ये केदारनाथ क्या है? कहते वहां पर श्री शंकर जी। बोले शंकर जी कौन? बोले मेरे तो सेवक है शंकर जी। बोले बद्रीनाथ कौन है? बोले श्री नारायण। बोले नारायण कौन? बोले मेरे अंश का अंश का अंश का अंश श्री नारायण।
और मैं जहाँ स्वयं जिनके चरण की सेवा करता हूँ, नंदा बाबा अगर कृष्ण को बोले कन्हैया लाला मेरे थोड़ा खड़ाव ले आओ, कृष्ण ठुमुक 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 करके चलते हैं और हाथों में नहीं खड़ाव का अपना सर पर रख करके कृष्ण नाचते नाचते आते हैं। नंदा बाबा बड़ी खुश हो जाता है, देखो मेरे लाला कितने अच्छे हैं। मैंने कहा खड़ाव ले आओ हाथों में नहीं सर पर ले आए। लाला जब बड़ा होगा ना पिता माता की बड़ी सेवा करेगा, पिता माता की बड़ी सेवा करेगा, नंदा बाबा खुश हो जाते। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज कसा जन्मित परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। बोले कृष्ण कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म सनातनी भगवान है, ये साधारण नहीं। इसलिए कृष्ण ने कहा पिताजी आप कहाँ इतना दूर केदारनाथ बद्रीनाथ जाओगे? देखो पहले जो केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं ना बड़े बड़ों को बचपन से जब जाते थे घर से विदा लेकर बोले हमारे नाम पर श्राद्ध दे देना, हमारे नाम पर पिंड दे देना। क्यों? पहले ये चार धाम करना कोई साधारण नहीं, एक धाम करना कठिन था, बड़ा कठिन रास्ता चल चल करके तेल को पकड़ पकड़ करके एक धाम करना भी बड़ा कठिन था। इसलिए बोलते थे हमारे नाम पर पिंड दे देना, पता नहीं हम लौट पाए कि नहीं लौट पाए। अभी तो केवल अब 10 दिन से पूरा घूम करके अब आ जाओ। इसलिए कृष्ण ने कहा आप मेरे साथ में आओ, हम पिता माता ब्रजवासियों को हम चार धाम कराएंगे। कृष्ण काम्य व्रत में लेकर के वहां पर केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री वहीं पर लक्ष्मण झूला ये शिला लक्ष्मण शिला सब वहीं पर केदारनाथ बद्रीनाथ सारे वो आदि बद्री आदि केदार के मूल वही है। अगर यहाँ सवेरे से निकलोगे ना और धूमधाम पर आ जाओ, और ये जो महीना है ना बहुत पुण्य है, ये पुरुषोत्तम महीना है। इसी महीना में एक गुण कोई भक्ति करो तुमको 100 गुण भक्ति मिलेगा। जाओगे कौन कौन जाएगा हाथ बताओ? आपका यहाँ सवेरे लेकर के और शाम को धुआं करके ले आए जाओगे सबके सब? ठीक है देखते हैं अगर होगा तो हम सबको हम ले चले। ठीक है बोले श्री केदारनाथ बद्रीनाथ की, बोले श्री गंगोत्री यमुनोत्री की जय जय श्री राम।